अगर हम पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स को देखें तो इनकी टेक्नोलॉजीज में कुछ सिमिलैरिटीज सामने आती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि इन देशों ने मिसाइल्स डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन की है। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है जब इजिप्ट ने नॉर्थ कोरिया को रशियन मेड स्कुड मिसाइल्स बेचे, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने रिवर्स इंजीनियर करके हुआंगसोंग 5 मिसाइल्स डेवलप किए। नॉर्थ कोरिया ने इन मिसाइल्स को ईरान को दिया, जहां ईरान ने इस टाइप के मिसाइल्स बनाने शुरू किए और सीरिया, यमन और पाकिस्तान को ये मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी दी। रिसेंटली यमन में हूती रेबल्स ने सऊदी कैपिटल रियाद पर इन्हीं मिसाइल से अटैक किया। MTCR यानी कि मिसाइल से टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट में कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्लोरिफरेशन सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, तब तक मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरे देशों तक पहुंचती रहेगी।